ये फलस्तीन की नेशनल डिश मसखन है और इसराइल फलस्तीन के कल्चर को खत्म करना चाह रहा है, लेकिन वी वोंट लेट दैट हैपन। वेलकम टू अ न्यू सीरीज जहां आई विल ट्राई डिफरेंट डिशेस फ्रॉम पैलेस्टीनियन कुजीन। इस सीरीज को बनाने के तीन मेन रीजंस हैं। पहला इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हाउ मच डिफिकल्टी एंड पेन द कंट्री इज गोइंग थ्रू, और कोई भी रास्ता जो इस चीज में हेल्प करेगा इज अ गुड थिंग, इवन इफ इट्स जस्ट फूड। दूसरा, इसके फलस्तीनी खाना इज यमी एंड आई वांट टू ट्राई इट एंड ईट इट। और तीसरा रीजन इज टू हेल्प यू गाइज मेक दीज थिंग्स इजिली इन पाकिस्तान सो यू कैन ऑल्सो स्प्रेड द मैसेज। रेसिपी से पहले अ ह्यूज शाउट आउट टू समन नदीम जिन्होंने मेरे लिए ये इनक्रेडिबल पैकेज भेजा है फिल्ड विद गुडीज। पहले एक फलस्तीनी कफिया, फिर एक सुपर नाइस नोट, पाइन नट, सुमैक और द फेमस स्पाइस जाटर। ये इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट हर पैलेस्टीनियन डिश की बेस होते हैं एंड आई एम सुपर हैप्पी आई गॉट टू यूज देम। थैंक यू टू समन अगेन। आप लोगों को भी इंग्रेडिएंट्स काफी इजिली मिल जाने चाहिए एंड आई लीव सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन टू मेक इट सिंपलर फॉर यू टू फाइंड देम। अब चलें, लेट्स बिगिन। इस डिश के लिए हमें चिकन लेग क्वार्टर्स चाहिए होंगे। क्विक डिस्क्लेमर, मैं सारी इन्फॉर्मेशन गूगल और यूट्यूब से ले रहा हूँ, लेकिन आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक दिस एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। चिकन लेग्स को एक पॉट में डालें, ऊपर से गर्म पानी, लॉट्स ऑफ सॉल्ट और तकरीबन 6-8 गार्लिक क्लोव्स। पैलेस्टीनियन कुजीन में गार्लिक बहुत इस्तेमाल होता है, व्हिच टेल्स यू दैट दे आर वेरी सॉलिड पीपल माशाल्लाह। फिर लेट दिस कम टू अ बॉयल और इनको अंदर कुक होने दें फॉर अराउंड 35-40 मिनट्स। अब ऑनेस्टली अगर मैं पर्सनली बना रहा होता एंड आई वाजंट ट्राइंग टू बी ऑथेंटिक, तो आई प्रोबेबली रोस्ट दीज क्योंकि बॉइलिंग से यूजली जूसेस सारे निकल जाते हैं, लेकिन अगेन शायद उनके कल्चर में दिस इज हाउ दे लाइक इट। और इस वीडियो में आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिक्रिएट दिस एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। ओके, ये मैं उस कमेंटर के लिए कह रहा हूँ जिसने जरूर आकर गॉर्डन रैम्सी बनना है। खैर, जितनी देर आपका चिकन बॉयल हो रहा है, लेट्स प्रेप आवर अनियंस। अब अनियंस इस डिश का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ पर ही इसकी टेक्निकली डिफिकल्ट चीज नजर आती है। वी हैव टू स्लोली कैरमलाइज दिस अनियंस। इसकी टेंशन से शायद प्याज काटते वक्त आपको रोना आ जाए, लेकिन डोंट वरी यार, रोने की कोई बात नहीं है, प्लीज रिलैक्स, वी विल गेट थ्रू दिस स्टेप, डोंट वरी। अनियंस को रफली डाइस करें और इस रेसिपी के लिए आपको तकरीबन 3 मीडियम साइज अनियंस चाहिए होंगे। अब एक और डिबेट जो होता है अबाउट दिस डिश ऑनलाइन इज वेदर टू यूज व्हाइट अनियंस और रेड अनियंस। बहुत सी रेसिपीज दोनों यूज करती हैं और हर रीजन का अपना वर्जन है, लेकिन व्हाइट अनियंस वर मोर कॉमनली यूज्ड, सो आई एम यूजिंग देम। अनियंस को प्रेप करके साइड पर रख लें। वंस योर चिकन इज बॉइल्ड, इसको रिमूव करें और टू अ बेकिंग ट्रे एंड सीजन विद पपरिका एंड सुमैक। सुमैक अगर आपने कभी ट्राई नहीं की, इज एन इनक्रेडिबल स्पाइस। इट्स सुपर टैंगी और सॉल्टी और मैं ऑनेस्टली इससे ऑब्सेस हो चुका हूँ। फिर चिकन को साइड पर रख दें एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर यमी कैरमलाइज्ड अनियंस। अब इस स्टेज के लिए यू नीड पेशेंस एंड टाइम, दो चीजें जो पाकिस्तानियों से पैदा होते वक्त ही ले ली जाती हैं, लेकिन प्लीज ट्राई यार, वरना दिस वोंट टर्न आउट राइट। एक नॉनस्टिक पैन में ऑलिव ऑयल डालें एंड यस, आप सही देख रहे हैं, यू नीड टू पुट अ लॉट ऑफ ऑलिव ऑयल इन दिस। फलस्तीनी लोगों की स्किन और बाल ऐसे ही इतने अच्छे नहीं होते, दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑलिव ऑयल, तो प्लीज डोंट स्किप दिस। फिर अपने प्याज डालें, ऊपर से 2-3 पिंच नमक और फिर 2.5 टेबलस्पून सुमैक के। इसको मिक्स करें और सुमैक की वजह से योर अनियन शुड स्टार्ट टर्निंग अ ब्यूटीफुल पर्पल कलर। हमारी स्पाइसेस के नाइस कलर्स क्यों नहीं होते यार, हर चीज ब्राउन और ब्लैक क्यों है। अब हीट आपने बहुत तेज नहीं रखनी, वरना द स्पाइसेस विल बर्न, और इसको कंटिन्यूसली टर्न और मिक्स करना है तकरीबन 25 मिनट के लिए। नो गाइस, यू डिडंट मिस हियर मी, इसको 25 मिनट लो एंड स्लो करने से अनियन सुपर जैमी और स्वीट होंगे, और इस डिश के फ्लेवर का ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो प्लीज बी पेशेंट विद दिस एंड डोंट रश, कीप स्टरिंग, कीप कुकिंग, और आहिस्ता आहिस्ता द अनियंस विल सॉफ्टन एंड कैरमलाइज, और एंड में ये खूबसूरत सॉफ्ट जैमी स्पाइसी मिक्सचर बच जाएगा। आई विश यू कुड स्मेल दिस यार, इट्स अनबिलीवेबल। चिकन डन, अनियंस डन, नाउ इट्स टाइम टू पुट दिस टुगेदर। ट्रेडिशनली इसमें पैलेस्टीनियन ब्रेड यूज होती है, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू यूज खमीरी रोटी, व्हिच एक्चुअली वर्क्स क्वाइट वेल। आप इसको खुद भी बना सकते हैं, लेकिन जितनी मेरी रिसर्च है, फलस्तीन में भी लोग यूजली रेडीमेड खरीदते हैं। टाइम टू लेयर दिस। एक बेकिंग पैन में पहले अपनी रोटी रखें, ऊपर से बॉइल्ड चिकन की यखनी डालें एंड स्प्रेड इट विद अ ब्रश, या अगर आप मेरी तरह लेजी हैं, विद योर हैंड्स। फिर स्पून ओवर योर डिलीशियस अनियंस और इनको भी केयरफुली स्प्रेड करें ऑल ओवर योर रोटी। ऊपर से दूसरी रोटी रखें एंड रिपीट द सेम लेयरिंग प्रोसेस, और फाइनली टॉप विद योर चिकन लेग्स। आई मीन नॉट योर एक्चुअल चिकन लेग्स यार, मतलब जो कुक चिकन हमने पकाया है। यू शुड स्किप लेग डे बाय द वे यार, शर्म करें। दिस ऑलरेडी लुक्स इनक्रेडिबल एंड स्मेल्स अमेजिंग, लेकिन बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं टू पुट दिस इन द ओवन फॉर 5 मिनट्स, ताकि हर चीज गर्म हो जाए और ताकि रोटी की एजेस थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। और क्रिस्पी एजेस के आगे मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता, तो वेयर पॉपिंग दिस इन द ओवन। जब तक ये गर्म हो रहा है, एक ड्राई पैन में पाइन नट्स डालें और इनको मूव अराउंड करें अंटिल दे स्टार्ट गेटिंग स्लाइटली ब्राउन, और इनकी स्मेल भी विल ब्लो योर माइंड यार, इट्स एक्चुअली इनक्रेडिबल। अपनी डिश को ओवन से निकालें, ऊपर से पाइन नट्स डालें एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी यार। इसकी एंगल की वजह से दिस वॉज हार्ड टू शो ऑफ, लेकिन मैंने अपने फोन से भी वीडियो ली थी ताकि आप लोग ज्यादा आराम से देख सकें, एंड दिस लुक्स रियली ऑसम। आई नो मैं अपनी ही तारीफ करी जा रहा हूँ, लेकिन आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब यार, मुझे थोड़ी शोखी मानने दें, क्या हो गया। एंड नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट। एक स्पूनफुल हर चीज का बनाएं एंड गाइज दिस टेस्ट इनक्रेडिबल, सुपर फ्लेवरफुल, हर चीज की यूनिक टेक्सचर्स और टेस्ट इतने मजे के लग रहे हैं, एंड द अनियंस आर जस्ट टू डाई फॉर।
before. Chicken bhi bahut tender hai, jaise ki aap mere bahut subtle demonstration se dekh sakte hain. Overall, an incredible dish, and I highly recommend ki aap isko zaroor try karein and share your photos on social media taki hamare bhai behan himmat na hare. Food is a universal language, and even though ye gesture bahut hi zyada chota hai, it might be enough to give someone hope or remind them to take care of their communities. I'll see you guys next time, aur Allah hum sabko apne hifz-o-iman mein rakhe.